औद्योगिक नगरी पीतमपुर के थाना सेक्टर एक अंतर्गत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतोष दूधी ने बताया कि कल रात क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग पीतमपुर एनर्जी पंप के पीछे बैठकर शराब पी रहे और डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पाया गया कि करीब 6 लोग खाली मैदान में बैठकर पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। मौके पर पुलिस ने आरोपियों को पंप पर धावा बोलने और डकैती डालने की तैयारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, जिसके कब्जे से एक लोहे की तलवार, 2 लोहे के छुरे, 2 लोहे की राड, 1 फावड़े का, लकड़ी का बेत व मिर्ची का पाउडर मिला। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, कल रात डकैती की योजना बनाते हुए कुछ लोगों को पकड़ा है, क्या था पूरा मामला? कल रात करीब 1 बजे हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल धन्नर तरफ भ्रमण कर रही थी, उसी समय किसी इन्फॉर्मर ने बताया कि एनर्जी पेट्रोल पंप के पीछे खुला मैदान पड़ा है, सुनसान है, अंधेरा है, वहाँ पर करीब 6-7 लोग बैठे हैं, शराब पी रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आज इस पेट्रोल पंप को आज लूटना है। सूचना मिली तो हमारे गश्ती दल में सब इंस्पेक्टर बड़ोनिया और उनके साथ में 5-6 कर्मचारी अन्य थे, इन्होंने मौके पर जाकर देखा कि वाकई में वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, घेराबंदी करके इनको पकड़ा। इनके कब्जे से 2 चाकू, 1 टामी और 2 डंडे और मिर्च पाउडर ये बरामद हुआ है। और इनकी योजना थी कि एनर्जी पेट्रोल पंप को लूटना है आज रात के 2:30 से 3 बजे के बीच में। बदमाशों में अधिकतर जो उम्र है इनकी 22 वर्ष से 26 वर्ष के बीच के नए लड़के हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी कई चोरियां करना कबूल की है। अभी 3 दिन पहले भी एक शेप एंड साइज कंपनी में एल्यूमिनियम का माल, करीब 4-5 लाख रुपए का माल इनने चोरी किया है, उसके संबंध में प्रकरण दर्ज है, इसमें पूछताछ की जा रही है और माल बरामद की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं। आपका नाम? संतोष दूध। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।